भेंट करने का काम किया है। और इसके साथ साथ रामलला को गर्मी में जो चंदन का इत्र जाता है वो भी कन्नौज वालों आपका दिया हुआ है, आपका बनाया है। रामलला की भेंट यहां से दिया हुआ इत्र चढ़ा है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी को कहने आया हूं, एक मैं जरा पहले स्पष्टता कर दूं, मैं यहां आने के लिए निकला तो कुछ पत्रकारों का मुझे फोन आया कि कन्नौज जा रहे हो, मैं कहूं हां, फिर से पूछा कन्नौज जा रहे हो, मैंने बोला हां, मैं कहूं भाई क्यों बार बार पूछ रहे हो, अरे बैठ जाओ भैया बैठ जाओ, ए अब रहने दो ना, रहने दो, सब ठीक है, आप ज्यादा शोर कर रहे हो। तो मैंने पूछा क्यों बार बार पूछ रहे हो, अरे भाई आप बैठ जाइए ना, क्यों इतना शोर करते हो। ओ फौजदार, ओ सफारी वाले भाई, ओ आप बैठ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा, आप बैठ जाइए, रहने दो भाई, ये कौन है, रहने दो ना, सुनते नहीं हो। बोलिए भारत माता की। तो मुझे बार बार पूछे कि आप कन्नौज जा रहे हो, मैंने को बोला इतना क्यों पूछ रहे हो कि कन्नौज तो बड़ा टफ लड़ाई है, मैं कोई टफ लड़ाई नहीं है, सुब्रत मेरा दोस्त है, कन्नौज की जनता इसको जिता कर भेजने वाली है। कन्नौज वालों में कहकर जाता हूं, ये सुब्रत पाठक को आपने ही जिताया, फिर से जिताइएगा, उसको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करने वाला हूं। भाइयों बहनों, यहां सालों तक मुलायम से परिवार को आपको आपने वोट दिया, दिया या नहीं दिया, अरे जोर से बोलो दिया या नहीं दिया। ये ऐसा परिवार है जीतता है तो भी बाद में नहीं आता है और हारता है तो भी बाद में नहीं आता है। ओ कैमरा वाले, ए बैठ जाओ, ये ऐसा परिवार है जो जीतता है तो भी नहीं आता है, हारता है तो भी नहीं आता है। भाइयों बहनों, कन्नौज वालों, कोरोना की महामारी विकट थी या नहीं थी, जरा जोर से बोलो विकट थी या नहीं थी। ये अखिलेश जी या डिंपल बहन आए थे क्या, अरे जोर से बोलो आए थे। हमारा सुब्रत आपके बीच में था या नहीं था, टीका लगवाया या नहीं लगाया, सबको टीका लगाया या नहीं लगा, जिन जिन को टीका लगा दोनों हाथ उठाओ, तो जरा जोर से दोनों हाथ उठाओ, सबको लगाए ना, 25 पैसा भी देना पड़ा है, मोदी जी ने सभी को टीका लगाकर देश को और कन्नौज को कोरोना से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, जब ये टीके लग रहे थे, अखिलेश बाबू स्टेटमेंट किए कि टीका मत लगाओ, ये मोदी का टीका है, मोदी टीका है, ये तो अच्छा है। अखिलेश जी को यूपी में और कन्नौज में कोई सुनता नहीं है, सबने टीका लगा दिया, बच गए। मगर जब अखिलेश जी ने देखा कि पूरे भारत ने टीका लगाया है, वो चुपचाप एक दिन रात को डिंपल भाभी को लेकर वो भी टीका लगा रहे हैं। बोलिए, अरे अखिलेश बाबू शर्म करो, शर्म करो, कोरोना जैसी महामारी में राजनीति करते हो, आपके भरोसे अगर उत्तर प्रदेश होता तो लाशों के ढेर लग जाते। ये तो नरेंद्र मोदी है जिन्होंने यूपी और भारत को
कोरोना से बचाने का काम किया, बचाने का काम किया। भाइयों बहनों, कन्नौज वालों जरा जोर से बताना, राम मंदिर बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? ये बहन जी बैठ जाइए, देख लिया हमने, बैठ जाइए। राम मंदिर बनाना चाहिए था या नहीं बनाना चाहिए था? 500 साल से रामलल्ला का घर नहीं था। ये सपा बसपा कांग्रेस तीनों पार्टियां राम मंदिर को अटका रही थी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, जब राम मंदिर का निमंत्रण ये यादव परिवार को दिया गया, वो नहीं गए। बोलिए कन्नौज वालों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए बताओ जरा, जोर से बोलो, क्यों नहीं गए? ना भाई ना, मैं बताता हूं, वो इसलिए नहीं गए कि उनको अपनी वोट बैंक की डर लगता है, वोट बैंक का डर लगता है। उनका वोट बैंक कौन है युवाओं, मालूम है? जरा जोर से बोलो, मालूम है? मालूम है? मगर मैं बता देता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हमारा वोट बैंक आप हो भाई, आप हो। मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी फिर से बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 400 साल पुराना भद्रकाली का मंदिर आज चांदी का शिखर चलाना चढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और सोमनाथ का मंदिर भी भाइयों बहनों सोने से भरने का काम भी बहुत आन बान शान से हो रहा है। मोदी जी ने हमारे सारे सारे ऊर्जा केंद्र को फिर से दीप्य बनाने का काम मोदी जी ने किया। 150 साल पुराने दिशा को आप सुन रहे थे। विपक्ष पर लगातार निशाना उनकी तरफ से साधा जा रहा है और क्या कुछ कह रहे हैं वो एक बार फिर से सुनवाते हैं। कन्नौज में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। तो राहुल गांधी पर अखिलेश यादव को लेकर भी निशाना साधते नजर आए हैं गृह मंत्री अमित शाह। चाहे सीए का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर बात रखी है गृहमंत्री अमित शाह ने। और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील भी की है। चौथे चरण के रण के लिए जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, जब राम मंदिर का निमंत्रण ये यादव परिवार को दिया गया, वो नहीं गए। बोलिए कन्नौज वालों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए बताओ जरा, जोर से बोलो, क्यों नहीं गए? ना भाई ना, मैं बताता हूं, वो इसलिए नहीं गए कि उनको अपनी वोट बैंक की डर लगता है, वोट बैंक का डर लगता है। उनका वोट बैंक कौन है युवाओं, मालूम है? जरा जोर से बोलो, मालूम है? मालूम है? मगर मैं बता देता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। हमारा वोट बैंक आप हो भाई, आप हो। मोदी जी ने न केवल राम मंदिर बनाया, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी फिर से बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 400 साल पुराना भद्रकाली का मंदिर आज चांदी का शिखर चढ़ाने का काम
नरेंद्र मोदी ने किया। और सोमनाथ का मंदिर भी भाइयों बहनों सोने से भरने का काम भी बहुत आन बान शान से हो रहा है। मोदी जी ने हमारे सारे सारे ऊर्जा केंद्रों को फिर से दीप्य बनाने का काम मोदी जी ने किया। 150 साल पुराने अंग्रेजों के कानून बदले, 100 साल पुरानी पार्लियामेंट नई बनाने का काम किया और धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम। अरे कन्नौज वालों जरा अखिलेश को सुनाई पड़े ऐसे बताओ, ये धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और यूपी वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे बाबू आप 80 पार तो कर गए मगर हमारे कन्नौज वाले को नहीं जानते हो। कन्नौज का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है मित्रों, जान। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाकर हमेशा के लिए देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी ने भाइयों बहनों 10 साल तक इस सपा बसपा के सहयोग से सोनिया मनमोहन सरकार चलती, 10 साल तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे, बम धमाके कर चले जाते, कोई बोलने वाला नहीं था, मनमोहन सिंह जी मौन रहते थे। मोदी जी को आपने 14 में प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला किया, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों मोदी जी ने करोड़ों गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। देश में 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया, 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ घर बनाए, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया और इसके साथ 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गरीब हो ना हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो और 70 साल से बड़ा हो, सबके स्वास्थ्य की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी भाइयों बहनों मोदी जी ने योजनाएं बनाई, हमारे सुब्रत ने नीचे तक पहुंचाया। अब मैं कहता हूं जो बचा खूचा बाकी है ना, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, सुब्रत जी को आप सांसद बनाओ, हरेक के घर में ये सुविधाएं पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का। भाइयों बहनों परिवारवादी पार्टियां हैं, उनको परिवार के अलावे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इस समाजवादी पार्टी नेताजी गए, अब अखिलेश जी आ गए, इसके बाद में डिंपल जी को ले आए। मैं यादव समाज के भाइयों बहनों को भी कहना चाहता हूं, ये कोई यादव समाज के खेरखवा नहीं है। देखिए इन्होंने 5 टिकट दिए, कन्नौज से अखिलेश खुद लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल बहन लड़ रही है, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, बदायूं से आदित्य यादव लड़ रहे हैं और फिरोजाबाद से अक्षर यादव लड़ रहे हैं। बोलिए अब बाकी कुछ बच्चे बच्चे भी बड़े नहीं हुए हैं,
बच्चे हो जाएंगे तो 80 की 80 सीटें ये के ये ही लड़ेंगे। ये ठीक है कन्नौज वालों, ये ठीक है। मौका परिवार के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। ये हमारे सुब्रत के घर में कोई नेता नहीं था, दम था, मोदी जी ने इसको सांसद भी बनाया और अब जिता दो हम बड़ा आदमी भी बनाने का काम। भाइयों बहनों, ये परिवार जो है वो जीतता है तो भी नहीं आता है और हारता है तो भी नहीं आते हैं। मैं आज कहना चाहता हूं सुब्रत पाठक, उसको आपके बीच में ही रहना है, ये आपका आदमी है, आपका प्रतिनिधि है। भाइयों बहनों, आज मैं कहना चाहता हूं अखिलेश जी के टाइम में गरीबों की जमीन कब्जाई जाती थी या नहीं कब्जाई जाती थी? जोर से बोलो, कब्जाई जाती थी या नहीं कब्जाई जाती थी? ये सपा के गुंडे आपको परेशान करते थे या नहीं करते थे? यूपी से पलायन होता था या नहीं होता था? ऊपर नरेंद्र मोदी जीत गए, नीचे भाजपा सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, ये गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। गुंडा राज को हमने समाप्त कर दिया और दूसरी ओर ये समाजवादी पार्टी, उनके लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अखिलेश, शर्म आनी चाहिए आपको, आपके लोग वोट बैंक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते विधानसभा के अंदर। 84 कोसी परिक्रमा पर प्रतिबंध आपने लगाया, संकट मोचन में बम दबा के करने वालों को आपने छुड़वाने का काम किया, प्रयास किया। और जब दंगे हो रहे थे, पश्चिम में लोग मर रहे थे, आप सिफई में मनोरंजन कर रहे थे, डांस देख रहे थे। अखिलेश, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी। भाइयों बहनों, मैं आपको बताता हूं, आपको जनता की आवाज उठाने वाला सांसद चाहिए और वो सांसद सुब्रत पाठक है। मुझे बताइए, आपको परिवार की दुकान चलाने वाला सांसद चाहिए या जनता की आवाज उठाने वाला सांसद चाहिए? तो अब बताओ कौन है वो? जोर से बोलो, कौन है? भाइयों बहनों, सुब्रत पाठक को दिया हुआ एक एक वोट उसके नाम के सामने कमल निशान पर बटाया दबाया हुआ एक एक बटन का वोट सीधा नरेंद्र मोदी को मिलने वाला है। अब कन्नौज में बटन दबाओगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो दबाओगे क्या? देखो भाई कन्नौज वालों, बटन तो जरूर दबाना, मगर इतने जोर से दबाना कि बटन कन्नौज में लगे और झटका इटली में जाकर लगे। और ये दो शहजादों में एक तो दिखाई नहीं पड़ते हैं और दूसरे राहुल बाबा, अमेठी से हारे तो वायनाड गए, वायनाड अब हारने का डर लगा, रायबरेली आएंगे। और अब राहुल बाबा, मैं बता देता हूं, रायबरेली भी आप हारने वालों है वो, अब यहां से सीधे इटली जाओ तो कांग्रेस का भला हो जाए। भाई भाइयों बहनों, ये लोग देश को आगे नहीं बढ़ा, ये अखिलेश बाबू कल्याण सिंह जी इतने बड़े नेता, इनका निधन हो गया, 500 मीटर दूर थे, फूल चढ़ाने नहीं गए। और मुख्तार अंसारी, इनकी मृत्यु हो गई तो 500 किलोमीटर दूर उनके घर पर गए। भाइयों बहनों, ये कभी हमारा भला नहीं कर सकते हैं। मैं आज बताता हूं, अभी मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि पाकिस्तान राहुल गांधी का बखान कर रहा है, बड़ी प्रशंसा कर रहा है, क्यों कर रहा है?
मैंने बोला भाई साफ बात है, राहुल गांधी मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, इस पर सवाल उठाते हैं, मोदी आतंकवादियों को मारते हैं ये विरोध करते हैं, मोदी जी नक्सलवादियों को मारते हैं ये विरोध करते हैं, मोदी जी नई पार्लियामेंट बनाते हैं ये विरोध करते हैं, मोदी जी G20 का इतना बड़ा सुंदर कार्यक्रम करते हैं ये विरोध करते हैं, मोदी जी चंद्रयान भेजते हैं तो भी ये विरोध करते हैं। तो ये पाकिस्तान का सारा काम भारत में बैठकर करते हैं राहुल बाबा, और उनके साथ ये यूपी के शहजादे भी जुड़े हैं, तो पाकिस्तान इनके प्रशंसा करेगा या नहीं करेगा मुझे बताओ, जोर से बोलो करेगा या नहीं करेगा। अब कांग्रेस और ये सपा एक भी सीट जीतती है ना भाई, एक भी सीट यूपी में कांग्रेस या सपा जीती ना तो फटाके यूपी में नहीं जलेंगे, नहीं जलेंगे यूपी में, कहां जलेंगे मालूम है, पाकिस्तान में जाकर जलेंगे। अब जलाना है क्या, अरे जोर से बोलो जलाना है, यूपी वालों खाता मत खुलने देना, खाता मत खुलने देना, एक बार हिसाब किताब बरोबर कर लो। भाइयों बहनों मैं आज बताने आया हूं, ये कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उन्होंने 10 साल में अपने यूपी को 4,90,000 करोड़ दिया था, कितना दिया था, अरे जोर से बोलो भाई कितना, 4,90,000 करोड़, मोदी जी ने 19,00,000 करोड़ रुपया यूपी के विकास के लिए देने का था। 12 शहरों में मेट्रो बनाई, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है, 11 एक्सप्रेसवे बनाए, डिफेंस कॉरिडोर बनाया, जिस यूपी में अखिलेश बाबू आपके शासन में कट्टे बनाने की फैक्ट्रियां चलती थी वहां तोप के गोले बन रहे हैं और वो गोले पाकिस्तान पर गिरने वाले हैं। भाइयों बहनों यूपी में इरिगेशन बढ़ाया, हर गरीब को घर दिया, लाइट दी, गैस का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया, 5 किलो मुफ्त अनाज दिया, 5 लाख तक का इंश्योरेंस दिया, पूरे उत्तर प्रदेश में उसको उत्तम प्रदेश बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों ये चुनाव जो है ये चुनाव जो है वो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, अभी अभी ये रामगोपाल यादव है, जानते हो ना, जानते हो या नहीं जानते हो, वो कह रहे राम मंदिर बेकार बना है, ठीक नहीं बना है, वास्तु ठीक नहीं है। भाई इनकी मंशा है अगर ये दो शहजादे आ गए ना तो राम मंदिर पर फिर से बाबरी ताला लगा देंगे, लगने देना है कन्नौज वालों, अरे जोर से बोलो लगने देना है। भाइयों बहनों आपका एक एक वोट सुब्रत को मिले, कमल को मिले, नरेंद्र मोदी को मिले। सुब्रत जी को लाखों वोटों से जिताओगे क्या यार, ये 40-50 हजार की सभा कर कहते हो लाखों वोट से जिताओगे, कैसे होगा। अरे भाई आप कहो मगर मैं नहीं मानता, सुनो सुनो मैं भी बनिया हूं, हिसाब किताब करता हूं, ऐसे नहीं होता है। मैं एक आइडिया बताऊं आपको, एक आइडिया बताऊं, करोगे, देखो कितने लोगों के पास मोबाइल है, हाथ ऊपर करो तो जरा, दीदी माताओं के पास भी है, सभी लोगों के पास है ना। तो ये सभा समाप्त होने के बाद 50 लोगों को, चाचा को, चाची को, माता को, पिता को, भाई को, भाभी को, फूफी को, फूफा को, बहन को, बहनोई को, दोस्त को, सबको फोन करना है 50 लोगों को कि कमल के निशान पर बटन दबाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, करोगे क्या। अरे जोर से बोलो करोगे, सुब्रत जी को जिताओगे,
कमल के निशान पर बटन दबाओगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे, 400 पार कराओगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ और जोर से बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे भारत माता की।